पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बास गांव के प्रधान सत्यमेव उर्फ पप्पू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में भगदड़ मची, जिससे इस भगदड़ के बीच वाहन से दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तरवा के पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने पब्लिक को रोकने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर बरसा दिए, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो पुलिस की तरफ से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई और किसी तरह मामले को शांत किया गया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस और पीएसी तैनात की गई। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सिर्फ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव टुडे की टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरीके से गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बच्चे की भगदड़ में दबकर मौत हो जाती है, दूसरी तरफ हत्या हो जाती है और हत्यारे गोली मारकर वहां से भाग जाते हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की घटनाएं लगभग हर दिन सामने आ रही हैं, जिसके बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन मुआवजा अब इन चीजों की का तोड़ नहीं है। लगातार आप मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन जो क्राइम, जो बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से रोका जाएगा। हर एक मामले में सस्पेंशन होता है, पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद बदमाशों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको लाइव टुडे पर दिखा रहे हैं। गोली मारकर हत्या करने की ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। वहीं भीड़ में दबकर एक मासूम की मौत हो जाती है, उसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच भगदड़ मच जाती है, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है गांव में। उमेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, ये जो पूरा मामला सामने आया है आजमगढ़ से, बेहद हैरान और परेशान करने वाला मामला है। भगदड़ किन किन चीजों को अंजाम दे सकती है, ये हमें बखूबी पता है कि कितना बड़ा नुकसान भगदड़ मचने से हो सकता है। लेकिन हर बार जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अफसरों को निलंबित किया जा रहा है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये घटनाएं होना रुकेंगी कब? बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। देखिए हिना जी, बिल्कुल जिस तरह से आए दिन उत्तर प्रदेश में, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूर्वांचल, हत्याएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसके सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लगातार योगी सरकार ऐसे अधिकारियों पे लगातार बैठक कर निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि जो अधिकारी के निर्देश है वो साफ तौर से है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जिलों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूर्णतः रुक नहीं पा रही है। जिस तरह से प्रधानी के ग्राम चुनाव भी आने वाले हैं और अब जिस तरह से ये आजमगढ़ की घटना आई है तरवा थाना क्षेत्र के बास गांव की, जहाँ पर दलित प्रधान पप्पू जो था उसकी हत्या कर दी गई। उसको बुला के बकायदा बदमाश आते हैं, हत्या करके वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद वहां जो भीड़ है उससे भगदड़ होती है और एक और मासूम की जान डरी जाती है। तो ऐसे में आप समझिए कि कहीं ना कहीं न्याय जो न्यायिक व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं अब जो भीड़ तंत्र है उसको समझा पाना पुलिस के लिए शायद बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन जो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती भी है, तो ऐसे तमाम माहौल को पुलिस को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनके जो सही लोग हैं, पुलिस के जो संबंधित अधिकारी हैं, उनका संवाद बेहतर होना चाहिए।
इस स्तर पर संवाद हो, जहाँ से सम्मानित सेना के प्रधान या इस तरह के लोग हैं, अगर उनको कोई धमकी मिलती है तो वो अपनी बात को रख दे, अपनी बात को रख सकते हैं, सुन सकते हैं, जानकारी मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये बात उमेश, ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आम जनता के लिए न्याय जब उन्हें चाहिए होता है, किसी भी परेशानी में जब उन्हें मदद चाहिए होती है तो वो पुलिस के पास जाते हैं और उसके बाद वो न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं इंसाफ के लिए। लेकिन जब यही तंत्र काम करने में यूं कहें कि काम नहीं कर पाएंगे, या जब लगातार हर हादसे पर पुलिस विभाग के लोगों को निलंबित करना पड़ेगा तो किस पर भरोसा करें आम जनता, एक बात। दूसरी बात ये कि आर्थिक सहायता दे देने से किसी के घर का बच्चा वापस नहीं आ जाता, आर्थिक सहायता देने से भी हम क्राइम ग्राफ को नीचे नहीं ला पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और बदमाश इससे डर भी नहीं रहे हैं, आए दिन इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं सामने। देखिए हिना जी, बिल्कुल, जब कोई हो, जनता हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जाता है थाने स्तर पे और जो है संबंधित अधिकारी से अगर वो अपनी बात रख लेता है, अगर अधिकारी उसकी बात को सुनता है तो शायद ऐसी स्थिति कम बन पाती है जहाँ इस तरह की हत्याएं हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई प्रधान हो, उसी इन लोगों के देखिए जो रंजिश है वो रहती है। और जिस तरह से ये आजमगढ़ के सरवा गाँव में हत्या हुई है पप्पू की, उससे जो सूत्र बताते हैं, ग्रामीण कहते हैं कि वो लोग जान पहचान के ही लोग थे, लगातार तनातनी चल रही थी, तो ऐसे में वहाँ ये भी बात निकल कर आई कि शासन प्रशासन शायद इस तरह की भनक थी। अगर ग्रामीणों में इस बात का चर्चा था तो आखिर पुलिस का जो तंत्र था वो क्यों इतना सक्रिय नहीं था कि इस चीज को भाप पाया कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है। तो ऐसे तमाम सवाल है जो जो अधिकारियों पे वहाँ पे जो मौजूदा थानेदार है उनके ऊपर हालांकि सरकार ने कार्रवाई भी कर दी है और पीड़ित जो है उनको मुआवजा भी दिया है, लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि मुआवजे से या इस तरह की कार्रवाई से क्या आप उस मासूम की जान को वापस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार कार्रवाई कर रही है, अधिकारियों को लगातार निर्देश भी हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है जिले पे उनका जो काम करने का तरीका है शायद अब वो किस तरह से समन्वय स्थापित कर पा रहे हैं नीचे स्तर के अधिकारियों के बीच, आखिर कानून के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इस तरीके की घटना होती है तो सिपाहियों को निलंबित करने की जरूरत नहीं बल्कि आला अधिकारियों पर शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि तभी इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकेगा, तभी अधिकारियों को काम करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा, ये उनकी ड्यूटी है। जगह जगह हत्या हो जाती है, प्रधान लेवल के इंसान को हत्या की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो आम इंसान की सुनवाई कहां होगी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश में। तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया उमेश आपका।